अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेस्ट डे वाइटनिंग क्रीम, जो कि लाइटनिंग के साथ साथ एक ज़बरदस्त एंटी एजिंग क्रीम भी है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं आज आपके साथ कौन सा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूं, तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहे और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि मेरा नाम ज़ैनब है, मैं मेकअप, आइज़ मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इसके साथ बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अगर आप फ्यूचर में मेरी कोई भी आने वाली वीडियोस जो है देखना चाहते हो। और इसके साथ अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस किया हुआ है, तो उसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन इसके साथ मैं आज एक बात आप सबके साथ शेयर करती जाऊँ कि YouTube जो है बहुत ही डैश है, बेल आइकॉन को प्रेस करने के बावजूद जो है मेरे सब्सक्राइबर्स को वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं भेजता ही नहीं आपके मोबाइल में। तो इसके लिए एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सिंपली YouTube के सर्च बार में मेरा नाम लिखिए, ZAINABNUMANMAN, यहाँ मैं स्क्रीन पे साथ साथ चला भी दूंगी, उसको सर्च कीजिए तो आपको मेरा चैनल फ़ौरन से मिल जाएगा। आप उसको ओपन कीजिए और आप स्क्रॉल करके मेरी वीडियोस उस पर देख सकते हो, अगर कोई वीडियोस आपसे मिस हो गई हों, कोई रह गई हों। और इसके अलावा आप मेरे वीडियो चैनल को मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट भी वहाँ पर मिल जाएंगी। मैंने अपनी सारी वीडियोज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में जो है फिक्स किया हुआ है, फिक्स क्या कहेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में जो है पता नहीं क्या किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो मेरी सारी प्लेलिस्ट भी, और अब मेरी वीडियोस को देख भी सकते हो और उनसे फ़ायदा भी हासिल कर सकते हो। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, तो हम यहाँ पर अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वुक्स डीडी क्रीम का पूरा रिव्यू। मुझे पता है कि ये एक साल पहले तकरीबन बहुत ज़्यादा इन हुई थी, फेसबुक पे, इंस्टा पे, वाईटी पे, हर जगह पे। मैं इसका ओरिजिनल, फेक, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसको यूज़ करने का, ख़ास तौर पर इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो शेयर करूँगी, और इस क्रीम के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस जो पैदा हुए हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, उनको दूर करूँगी। एक्चुअली जो इसको इनके प्रोमोटर्स हैं, जो इसको एक साल पहले तकरीबन जब प्रोमोट किया था, तो यह लॉन्च किया था, कुछ भी कह सकते हैं इस तरीके से, कि बहुत सारी वीडियोस जो भी आपको देखने में मिलती हैं, इसका प्रोडक्ट लेती हैं, एक हाथ पे लगाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है और उसको आपको बैलेंस करके दिखा देती हैं। तो आई थिंक कि ये प्रोमोट करने का एक गलत तरीका था कि इतनी ज़्यादा वाइटनेस देख के कोई भी लेने को इसको तैयार नहीं होता कि आप अपनी स्किन के ऊपर एक नकली वाइट लेयर अप्लाई कर लो, जबकि आपका असल बाद में जब उतारो तो असल आपका हाथ वैसे का वैसे स्किन नीचे से निकले। सबसे पहले मैं यहाँ पर शेयर कर लेती हूँ कि ये जो वुक्स की क्रीम है, आपको भी पता है जब कोई मार्केट में ऐसी चीज़ आती है, स्पेशली वाइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग के हवाले से, और हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है वाइटनिंग के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा पागल है, तो क्या करते हैं जो फेक सेलर्स, ये जो नकली बनाने वाले बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, वो असली आए ना आए मार्केट में नकली बनाकर धड़ाधड़ बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फेक मार्केट में मिलता है, आम दुकानों पर, डिफरेंट पेजेस पर, इवन के Dazz.pk पे भी ये फेक मिलती है। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपको ये कहीं से भी बाय नहीं करनी, क्योंकि आपको मिलेगी ये फेक, आपके पैसे भी ज़ाया जाएंगे, रिज़ल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, और इस तरह प्रोडक्ट का एक गलत असर आप लोगों पर छोड़ जाता है ये जो नकली बनाने वाले बैठे हुए हैं। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा लॉ ज़रूर होना चाहिए, जितने भी फेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो कमाई के चक्रों में, उनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि वो लोगों की स्किन के साथ खेल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो हैं उन्होंने पता नहीं क्या क्या केमिकल्स, अल्लाह जाने क्या क्या डाल के बनाया है, और वो कैसे कैसे असरात आपकी स्किन पर छोड़ दें। इस क्रीम को आपने बाय कहाँ से करना है, बेसिकली ये क्रीम जो है थाईलैंड की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में नहीं बनती, ना पाकिस्तान में ये सेल होती है। इसके प्रोमोटर्स या सेलर्स ये एक ही कहेंगे, जो थाई से इसे इम्पोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में इसको आगे सेल करते हैं, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो इसके ओरिजिनल सेलर हैं, बाकी इसके अलावा सब फेक सेलर्स हैं, इसलिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सिंपली आप मेरे जो वीडियो का टाइटल है, जो मैंने लिखा हुआ है नाम, उसको क्लिक करें तो नीचे से उसके फ़ौरन एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जी, सबसे पहले मैं इसका आपको पैकेजिंग जो है शेयर कर लेती हूँ। ये इस
तरह के शाइनी इसी इसकी पैकेजिंग है और इस पर मेंशन है वोक्स डीडी क्रीम। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि डीडी क्रीम, ये इसका नाम डीडी क्यों है। मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट शेयर कर दूँ, फिर सबसे पहले कंसेप्ट शेयर कर दूं कि इसका नाम जो है डीडी क्रीम क्यों है। आपको पता होगा सबसे पहले आई बीबी क्रीम, फिर सीसी, फिर डीडी क्रीम। तो जब भी सुबह के टाइम हम लोग कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, या जॉब पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या आपको जल्दी में कहीं जाना है, तो आप इतनी ज़्यादा देर मेकअप नहीं कर सकते बैठ। आपके पास अक्सर उगा जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप बैठ कर पहले जी मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, फिर प्राइमर लगा रहे हैं, फिर फाउंडेशन, फिर पाउडर, यानी अपना मेकअप के इतने ज़्यादा स्टेप्स करने का टाइम नहीं होता। तो इसको छोटा, इसको श्रिंक, इसको यानी कम टाइम में करने के लिए सबसे पहले आई बीबी क्रीम, यानी सिंपली आप बीबी क्रीम लगाओ और आप जो है रेडी टू गो हो, आपका मेकअप जो है नो मेकअप लुक आपका फ़ौरन से रेडी हो जाएगा। इसके बाद आई सीसी क्रीम, सीसी भी बीबी से थोड़ी सी लाइट थी, फिर सीसी के बाद आई डीडी जो कि बीबी और सीसी दोनों का मिक्सर है। बीबी क्रीम का मतलब है ब्यूटी बॉम और सीसी का मतलब है क्रीमी फॉर्मूला जो है फाउंडेशन का, और डीडी का मतलब है डेली डिफेंस, यानी आपकी रोज़मर्रा की क्रीम। ये बीबी और सीसी से लाइट होती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि बीबी क्रीम जो है वो स्पेशली जो ब्रिटिश कम्प्लेक्शन है सिर्फ उसी के लिए बनी हुई है। आपको भी पता होगा कि अक्सर उकात जब भी बीबी क्रीम लेने जाओ तो उसमें कोई शेड नहीं आते सिवाय एक या दो के, और जब भी आप वो लेकर आओ तो आपकी स्किन पर वो थोड़ा सा डार्क हो जाते हैं, एक दो घंटे या आधे घंटे बाद ही ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में बने होते हैं। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बीबी क्रीम के साथ ऐसा ही रहा है, मेरी स्किन पर बिल्कुल सूट नहीं करती, अच्छी नहीं लगती लगाने के बाद, और सीसी मैंने अभी तक ट्राई नहीं की। इसके बाद आती है डीडी क्रीम, ये जो थाई की वुक्स वाली डीडी है, इसका टेक्सचर वाकई में बहुत ज़्यादा वाइट है। आप लोगों ने इसकी वीडियोस ऑलरेडी देख रखी हैं कि जैसे ही लगाते हैं एक वाइट सी लेयर आपकी स्किन पर क्रिएट हो जाती है। तो ये डीडी क्रीम जो बेसिकली जो गोरे चिट्टे लोग हैं, यानी जिनका कॉम्प्लेक्शन ऑलरेडी थोड़ा सा फेयर है, ये उनके लिए बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि एशियन स्किन टोन के लिहाज से हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि थाई के लोग, जापानीज़ या चाइनीज़ या आप इस तरह के जो फेसेस वाले सब लोग हैं, बहुत ज़्यादा पेल होते हैं, फीके से रंग, भद्दे से रंग उनके होते हैं, यानी अगर उन्होंने मेकअप ना किया हो, अगर आप उनको असल में देखें तो बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं, बेरौनक सा चेहरा उनका होता है, बेरंग सा। क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लगाते हो तो आपके चेहरे पर एक कुदरती नूर, एक चमकने वाला नूर आ जाता है, मतलब वो आपकी स्किन के स्किन करेक्टर भी आप इसे कह सकते हो कि जितने भी डलनेस होती है एक सेकंड में आपके फेस से इसको गायब कर देती है। तो यहाँ पर मेरा स्किन आप लोगों के सामने है कि बहुत ब्रिटिश है, इतना ज़्यादा फेयर भी नहीं है, लेकिन क्लियर है। तो मैं इसके साथ आप लोग यही शेयर करूँगी, अपने हाथ पे ही शेयर करूँगी, लेकिन जो मैंने एक हफ्ते से अपने फेस पर इसको इस्तेमाल किया है उसका पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं करना कि इसकी ज़्यादा सारी मिकदार लगा लेनी है, तो वो बहुत गंदा लुक देगी और बहुत गंदा इफेक्ट डालेगी देखने वाले पे भी, आपको खुद भी। तो आपको जब अभी मैं अपने हाथ पर लगाती हूँ तो जो ये हिस्सा है मेरा, हर एक का तकरीबन ये जो जॉइंट्स हैं ये थोड़े से डार्क होते हैं, यहाँ पर स्किन इकट्ठी हो जाती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा ये अलहदा से नज़र आ रही होगी, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो मेरे से डार्क टोन वाले जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, और यहाँ पे बता दूँ कि इसको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक डे टाइम की क्रीम है। अभी तक मुझे खुद भी डे टाइम में कोई अच्छी वाइटनिंग कह सकते हो, एक साफ लुक दे आपके चेहरे को, ऐसी क्रीम नहीं मिली। सिंपली मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या पाकिस्तान में पोंड्स की या डिफरेंट हज़ारों किस्म की क्रीम्स मिलती हैं डे टाइम में, लेकिन उनको लगाने के बाद आपके फेस पे कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये एक कहने के, इसको आप कह सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो कि एक ये नो मेकअप लुक क्रिएट करती है आपकी स्किन पर, यानी आपके बेरौनक बेजान चेहरे पर, यानी अगर सिंपली हमने अपना फेस धोया हो तो उस पर थोड़ी सी जान नहीं होती, वो ऐसे थोड़ा सा भद्दा सा लग रहा होता है, तो इसको लगाने से एकदम जान सी आ जाती है। इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको अपने हाथ की बैक पर, आपको सेम इसी तरह अपने फेस पे भी अप्लाई करना है। ओके, तो इस क्रीम का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा रनी फॉर्म में है, तो आपने कभी गलती नहीं करनी कि इसको ऐसे पकड़ के लगाना है, क्योंकि जब भी ऐसे लगाएंगे वो अपने आप निकलती है, बहुत ज़्यादा निकल आती है। तो आप इसको हमेशा ऐसे पकड़ कर इसको हल्का सा प्रेस कीजिए नीचे से, और जब ये आपकी देख सकते हैं आपकी मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आ जाए, तो आप ऊपर से इसको पिक कर लें लाइक दिस।
आपने इसको ऊपर से पिक कर लेना है, क्योंकि ऐसे करते हैं तो मैंने ये एक हफ़्ते में यही तजर्बा किया, बहुत ज़्यादा आ जाता है ये हाथ पर, जिसकी वजह से वो जाता भी नहीं, फिर जितना मर्ज़ी मलते रहो वाइटनेस ही आ जाती है आपकी स्किन पर। आप इतना या इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो अपने पूरे फेस के लिए। और अगर आपका स्किन जो है ऑलरेडी फेयर है, बहुत ज़्यादा गोरे चिटे हों आप, तो ये बिलीव में ये क्रीम जो है आपके लिए इतनी बेस्ट रहने वाली है, इतना आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा। और अगर आप मेरे जैसे व्हिटिश हो, क्लियर स्किन है, इतनी ज़्यादा डल नहीं है यानी, लेकिन बेजान है, रौनक नहीं है चेहरे पर, तो आपके लिए ये क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करेगी। ये देख सकते हो कि इसने कितनी जल्दी एक वाइट सा निशान, वाइट सी स्किन बना दिया फ़ौरन ही। आपको क्या करना है, इतनी सी क्रीम को अपने पूरे फेस पर पहले डॉट 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 में अप्लाई करना है, एकदम एक जगह पर करते हैं तो ये स्टिक हो जाती है, क्योंकि ये ड्राई हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसी वजह से आपने इसको डॉट डॉट में अप्लाई करके पूरे फेस पर जल्दी से इसको अच्छे से रब कर लेना है, अच्छे से इसको जज़ब कर लेना है अपनी स्किन में। और ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही जल्दी ये जज्ब हो जाती है हमारी स्किन में। और हाँ, ये ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। उनको इसको अप्लाई करने से पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ड्राई स्किन हो तो आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ड्राई होती है लगाने के बाद, सूखती है तो ये पैचेस बनाएगी आपकी स्किन पर, तो आप इससे पहले कोई सा भी लाइट सा जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने पूरी स्किन क्रीम को अपनी स्किन में जज्ब कर लिया है, और अब आपको ये मेरे हाथ पर बुरी भी नहीं लग रही, वो वाइट सा धब्बा जो है वो भी नहीं लग रहा, लेकिन आपको मेरे दोनों हाथों में फ़र्क भी यहाँ पर लग रहा होगा, दोनों में एक वाजिया सा फ़र्क भी है, लेकिन इतना ज़्यादा वाजिया नहीं है कि एक जगह जो है बिल्कुल ही आटे की तरह सफ़ेद सी हुई है और दूसरी वो है। हालांकि ये मेरी लाइफ में है, लेकिन फिर भी असल में भी जब लगाते हैं फेस पे, दिन की लाइफ में मैंने इसको देखा, ये बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट छोड़ती है स्किन पर, अगर आप इसको हल्की कम मिकदार में लगाएंगे। और सेम आप यहाँ पे मेरा देख सकते हो कि जो जॉइंट्स थे इन पे लगाने के बावजूद तो मेरे जॉइंट्स में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक से नज़र आ रहे हैं। तो मेरा बस ये कहने का मकसद है कि जो बहुत ज़्यादा डार्क स्किन वाले हैं, बहुत ज़्यादा जो चले जाते हैं, वो अगर इसको लगाएंगे तो उनको लगाने के बाद थोड़ा सा इशू आ सकता है कि उनकी स्किन पे फीलिंग आएगी, मे बी वो एक हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाए, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइटनिंग इफेक्ट है, आपके दिन ब दिन आपकी स्किन को लाइटनिंग भी इफेक्ट देता है। अच्छा जी, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको इसको लगाना कैसे है, अप्लाई कैसे कर। इसके बाद मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि कौन कौन सी गर्ल्स के लिए ये बहुत ही कारामद है, और उनका वक्त बचाएगी और उनका दिन भी बचाएगी और उनका फेस भी चमकाएगी बहुत ज़्यादा, और अच्छी लुक देगी, दिखने वाले को बहुत अच्छा लुक आएगा। आप अगर स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, जॉब करने वाली गर्ल हो, आपके पास सुबह का टाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप 3-4 स्टेप करो, अपने फेस को थोड़ा सा पेंट शेंट करो। और अच्छा, जब भी हम मेकअप करते हैं, फाउंडेशन कुछ भी कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग के साथ ही स्वेटिंग ना भी हो, 1-2 घंटे बाद जहाँ जहाँ आपका हाथ लगता है वहाँ से ये उतरना, मेकअप हमारा उतरना शुरू हो जाता है। तो ये क्रीम आपको क्या करेगी कि आपको इतनी सी लेकर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देनी है, एक नो मेकअप लुक आपका क्रिएट हो जाएगा, एक ग्लो आपके फेस पर आ जाएगी इसका। सिंपल अगर आप लिप बॉम लगाओ या जैसे भी बाकी मेकअप आप कैरी करते हो, हल्का फुल्का सा वैसा कैरी करो, तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि आपने 3-4 लेयर्स अपने स्किन पर लगाई हुई हैं फाउंडेशन की, पाउडर की, क्योंकि वो लगाने से आपको फ़ौरन अगला दिखने वाले बंदे को पता लगता है कि फेस पे कुछ लगा हुआ है, और वो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल भी नहीं होता मेकअप इतना ज़्यादा। तो ये उन गर्ल्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसको ये आपकी स्किन में बिल्कुल जज्ब हो जाती है, वैनिश हो जाती है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि दूसरी लेयर हमारी स्किन के ऊपर लगी हुई। और सारा दिन जो है आपकी फेस एक फ्रेश भी रहेगा, आपकी लुक जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और हाँ, जैसे गर्मियाँ हैं तो स्वेटिंग होती रहती है, तो आपको क्या करना है, इस क्रीम के अलावा आपको टिप दे रही हूँ कि जब भी आपको स्वेटिंग हो, तो कभी भी आपने अपने फेस से रगड़ कर अपना स्वेट जो है पसीने को साफ नहीं करना, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजेबल होता है। आपको क्या करना है कि टिशू या एक ब्लोटिंग पेपर आप अपने पास, तो सिंपली टिशू से आप अपने पसीने को जो है जज्ब कर लीजिए, अपने माथे पर रख कर उसको हल्के से आप अपने पसीने को जज्ब कर लें, उसको आपने कभी भी अपने फेस से रगड़ना नहीं है। सेम इसी तरह इस क्रीम के बाद भी अगर आपको स्वेटिंग हो, इन केस जैसे आप जा रहे हो आउटडोर तो आपको स्वेटिंग हो,
तो एक स्वेटिंग एक नॉर्मल मसला है, उसको इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारी गर्ल्स ऐसे DMs या मैसेजेस या ऐसे कमेंट्स करती हैं कि ऐसे प्रोडक्ट बताएं कि स्वेटिंग जो है कुदरती अमल है, वो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का निज़ाम है, उसको हमने रोक नहीं सकते और ना रोकना चाहिए, क्योंकि रोकना अच्छा नहीं है, वो कोई ना कोई और हमारे स्किन पे एलर्जी कर जाएगा या एक्ने का सबब बनेगा। और कोई आम क्रीम्स लगाएं तो स्वेटिंग के साथ वो क्रीम भी बैठ जाती है, हमारा मेकअप भी बैठ जाता है और हमारी नीचे से असल स्किन नज़र आ रही होती है, तो ये स्किन जो ड्राई हो जाती है। अभी मैंने आपको जैसे अप्लाई करते हुए बताया, तो उसका यही फ़ायदा है कि अगर आपके इसके ऊपर स्वेटिंग होगी भी तो आप टिश्यू पेपर से उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए, तो आपका नीचे वाला स्किन जो है अपनी वैसे की वैसे रहेगी, फ्रेश रहेगी। कि प्राइस की बात कर लूँ तो थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव लगेगी, प्राइस के लिए काइंडली आपको इनके वेबसाइट या पेज विज़िट करना होगा। वो इस वजह से अगर आपको थोड़ी सी एक्सपायरी लगे भी, तो अगर आपको 600-700 की कोई लोकल क्रीम बाय करनी है तो आप थोड़ा सा सेविंग कर लो, थोड़ा सा सेव करके अच्छी क्रीम ले लो, तो आप रिग्रेट भी नहीं करोगे और साल से ज़्यादा ये चलेगी। और 2 साल इसकी एक्सपायरी डेट है, यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन। ओके जी, फाइनली मैं इस प्रोडक्ट को जो है 10 out of 10 दूंगी, क्योंकि इसके रिज़ल्ट वाइज, इसके पैकेजिंग, इसकी सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा सा बस एक्सपेंसिव का इशू है, लेकिन जब आप एक दफ़ा बाय करके इसको यूज़ करके इसके रिजल्ट्स देखोगे तो वो आपको कोई इशू नहीं लगेगा। आप में एंटी एजिंग है, जो 30+ गर्ल्स हैं उनके लिए तो हाईली रिकमेंडेड है, अदरवाइज 20+, 18+, 16+ इवन के गर्ल्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं। इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है, आपको स्किन में लगाने के बाद कोई इचिंग, कोई जलन, कोई कुछ भी फीलिंग नहीं आती। ओके, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, साथ में शेयर अपनी सारी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूज़र नेम आपको ऊपर यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगा और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो जल्दी बना सकूं। बाय।